कि आगे जाने का फायदा नहीं है, यहीं पे गन भर लो। अकेला आदमी जाएगा, भाग जाएगा, वो देख रहा था दादा। नहीं, अपने आप जाने दो इसको थोड़ा ना, फिर चलेंगे तो पीछे चलता रहेगा। सर यहाँ तो लगे गन लगे होगा सर, वेन से ऊपर ऊपर थोड़ी ऊपर, पर यार वो गिर तो नहीं गई कहाँ? नहीं, लगी है। कीड़े पड़ गए हैं, अंडे तो हैं। ये क्या खून? कैसे लगी इसको? ये रस्सी बांधी किसी ने ना, वो टाइट हो गई है। रस्सी अंदर ही घुस गई है, रस्सी ऊपर का सारा चीज ऊपर घुस गया। चल जय माता दी। प्लास्टिक वाली है। काफी गिर रहा है। ये जो हॉल्टर, जब ये बचपन में था तब इसको बांधा गया था, और जैसे जैसे इसकी एज बढ़ी और बॉडी साइज बढ़ता गया, वो हॉल्टर टाइट होता गया, उसकी वजह से ये पूरा वुंड क्रिएट हो गया। जब हमने एग्जामिन किया तो मैगट वुंड हमें मिला है। नेक वाला एरिया जो है काफी ज्यादा इफेक्टेड है, और नोज के ऊपर वाला। हालांकि देखने पे ऐसा लग नहीं रहा है कि जो इसकी बोन है इफेक्ट हुई है, लेकिन जख्म फिर भी काफी गहरा है। अभी फिलहाल के लिए हमने इसके एंटीबायोटिक्स और पेन किलर इंजेक्शन लगा दिए हैं, और ड्रेसिंग भी हमने कर दी है। अब मैं डेयरी वालों की मजबूरी समझता हूँ कि भाई कोई भी धंधा मुनाफे के लिए किया जाता है, और बैलों से कोई मुनाफा कैसे कमा सकता है। तो मेरे पास आपके मुनाफे के लिए एक और टिप है, इनको छोड़ने से पहले इनकी मुंह की रस्सी उतार लीजिए, 100-150 रुपए का मुनाफा आपको और हो जाएगा, और थोड़ी इनकी परेशानी कम हो जाएगी।